एक चमत्कार दिखाते हैं परमात्मा का, सुनाते हैं। अभी चौथा दिन है, यहां जो रोहतक में एक बेटी है, गीता नाम है उसका, और उसने शाम के समय अपने बेटे से कहा, 12-13 साल का लड़का है, कि भाई वो रमैणी लगा दे, असुर निकंदन रमैणी लगा दे और VCD में लगा दे, मैं महाराज जी के दर्शन भी करूंगी और बैठ कर रमैणी कर देती हूं। वो लड़के ने वह रमैणी लगा दी और मंगलाचरण शुरू होते ही वो लड़का तो निकल गया बाहर, कहने की मैं बैठी बैठी वो रमैणी कर रही थी। मंगलाचरण पूरा होने वाला था, इतने में परमात्मा उस फोटो में एक और फोटो रखा कबीर साहब का मेज के ऊपर, बाहर को मुंह किया हुआ कबीर परमेश्वर का फोटो, छोटा सा इतना का नवली, वो फोटो इतना बड़ा हो गया कि टीवी की स्क्रीन पर आ गया पूरा ही। मैंने सोची टीवी जो है ना CD बंद होगी और ये चित्र रुक गया। इतने में आप जो रमैणी कर रहे थे उस चलचित्र में, आपका चित्र था, वो कबीर साहब के चेहरे के ऊपर आकर फिट हो गया और वो रमैणी चल रही है, रमैणी की आवाज चल रही है और फोटो हांग है। उसने उसी समय फोन किया हमारे भक्त बसंत जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे कमाल हो गया, परमात्मा ने कमाल कर दिया और यहां से हो रहा है, महाराज जी से बात करा तो मेरे से बात हुई। ने बोली जी मैं क्यों कैसे दिखाऊं आपको, कमाल कर दिया, अनहोनी कर दी है, ऐसे ऐसे आपका चेहरा भगवान के चेहरे के ऊपर लगा हुआ है, रमैणी चल रही है और वो आवाज आ रही उसकी और फोटो डिट रहा है। मैंने कहा बहन ऐसे करो बेटी, उसका फोटो लो परमात्मा ने, पकड़ो मालिक आए हैं तो प्रत्यक्ष होने लग रहे हैं, पकड़ो मालिक को, ठा जात मिल जाए तो। कहने लगी जी हमारे मोबाइल में कैमरा कोनी, वो लड़का भी बाहर निकल गया। फिर मैंने भगत से कहा किसी और भगत को संदेशा दे दो, वो आकर के फोटो ले ले। उसी समय पड़ोस में ही हमारे भक्त सतपाल का परिवार रहता, वो दोनों बच्चे लड़के, उनको संदेशा मिला। इतने में वो लड़का उस वाला आ गया, लड़की बेबे वाला, और कम से कम 10-15 मिनट की रमैणी चल 10 मिनट की रमैणी हो चुकी थी। उसने कहा अपने बेटे देख रहे हो परमात्मा की न कैसी लीला कर दी, उस लड़के ने देखा तो वो बोली जा फटाफट जल्दी जा उस उनको बुला के ला, दीपक और रितु को, और भाई इतना ऐसे कर इसने, तू पुश कर दे, रोक दे, यू कदे आवाज बंद कर दे, फोटो तो हंग था, आवाज चल रही थी, इसने आवाज को बंद कर दे, कहीं वो आवे इतने या बंद ना हो जाए, चित्र चला ना जाए। वो लड़का उस CD को पुश कर गया और भाग कर उस रो किया, वो लैब ला करके 2 मिनट में आ गए बच्चे, आते ही उन्होंने 5-6 फोटो खींचे और उसी समय लेकर के वह बहन भी और वो लड़के भी यहां पहुंचे दास के पास। रो और बता हुआ बेटी, रो और बता कि ऐसी अनोनी मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र मालिक का पूरा हुआ और आपका चेहरा उसमें समा गया, वो देखिएगा। अब आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये देखिएगा। अब ऊपर छतरी पूरी परमात्मा वाला फोटो, कबीर साहब का फोटो है, चित्र है, उधर कोने में लगा हुआ है वो, और ये ऊपर छतरी है, नीचे कबीर परमात्मा के ये हाथ और पैर, नीचे कबीर परमात्मा के, ये ऊपर टॉप परमात्मा का है और ये चेहरा दास का बना हुआ है। इतना सिर्फ ये काला जो कोट पहना ये दास का बना हुआ, इतना हिस्सा दास का है और बाकी शेष मुकुट परमात्मा का, नीचे पैर परमात्मा के, छतरी मालिक की। अब ये समझाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि इस ब्रह्म मत पड़ो, जो ये दास भेज रखा है इसको मेरा ही स्वरूप समझो, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। बोलो सतगुरुदेव की जय।